हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्ड। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, यानी कि एक बैग सीमेंट का वजन कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 50 kg। किसी भी स्टैंडर्ड जो बैग आती है अपने मार्केट में, उसका जो वेट होता है वो 50 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सीमेंट, यानी कि सीमेंट की डेंसिटी या घनत्व कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब या इसे क्यूबिक मीटर भी हम लोग कह सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, यानी कि किसी भी स्लैब की मिनिमम थिकनेस जो है वो कितनी हो सकती है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं 0.125 मीटर या 125 mm। इससे कम हम किसी भी स्लैब की थिकनेस नहीं रख सकते। अगला क्वेश्चन है कि C2C का मतलब क्या होता है, यानी C/C, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। किसी भी स्ट्रक्चर में यदि हम लोग रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, तो दो बार जो होता है उसके बीच की सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस होती है, उसी को हम लोग C/C से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का DPC शुड नॉट बी लेस देन। तो इसका राइट आंसर जो है 2.5 सेंटीमीटर या 25 mm, यानी कि DPC की जो थिकनेस होती है वो 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सीलन हमारे घर के अंदर आएगी। अगला प्रश्न है डीएल का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होता है डेवलपमेंट लेंथ। ये कहाँ होती है, जब हम किसी कॉलम और बीम को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो स्टील में जो स्टील की लेंथ हमारी आती है दोनों को कनेक्ट करने के लिए, उसी को हम लोग डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन, यानी कि जब हम घर में या कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में सीढ़ी बनाते हैं, तो उसका स्लोप सीढ़ी का कितना होना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है 25 से 40 के बीच होता है जनरली, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसके बीच होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा द राइजर इन द स्टेयर इन बिटवीन। तो इसका राइट आंसर जो है राइजर का मतलब जो स्टेप होता है खड़ा वाला, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। तो ये 150 से 200 mm के बीच होना चाहिए, और थ्रेड की बात करें तो ये 250 से 300 होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन पर मीटर क्यूब, या इसे हम लोग कह सकते हैं क्यूबिक मीटर। तो एक क्यूबिक मीटर में हम लोग को कितने ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका राइट आंसर है 550 ब्रिक। एक क्यूबिक मीटर में हम लोग को 550 ईंट की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन क्या है M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज इन कंस्ट्रक्शन स्लैब, यानी कि जनरली कंस्ट्रक्शन में स्लैब की कंक्रीट के लिए हम लोग किस ग्रेड की कंक्रीट का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है M20। दोस्तों आप लोग को पता होगा M20 में M जो है वो मिक्स है, और 20 क्या है, 20 जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 28 डेज में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला, यानी कि स्टील का यूनिट वेट निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है OD²/162, और इसका यूनिट जो होती है किलोग्राम पर मीटर। अब डी स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर यहाँ पर डी है डाया ऑफ स्टील, यानी कि जिस डाया के स्टील का हम लोगों को यूनिट वेट निकालना है, डी के जगह पर उसका डाया रखेंगे, स्क्वायर करके 162 से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट वेट उसका यानी एक मीटर में उसका वेट कितना आएगा किलोग्राम में, इससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लाइपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया मोर देन, यानी कि किस डाया के लिए हम लोग स्टील में या रेनफोर्समेंट में लैप नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इसका राइट आंसर है 36, यानी 36 mm से अधिक डाया की स्टील में हम लोग जो है वो लैप नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगला क्वेश्चन है हमारा मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, यानी कि इसे अगर आसान भाषा में समझे तो कंक्रीट को पोर करने की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है स्टैंडर्ड वैल्यू 1.5 मीटर, यानी कि IS कोड के अनुसार 1.5 मीटर से अधिक हाइट से हम लोग कंक्रीट को पोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है 7.5 न्यूटन पर mm². लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है नंबर ऑफ बार कैसे हम लोग फाइंड करते हैं।
तो इसका राइट आंसर है, हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर का स्लैब है या राफ्ट है, फाउंडेशन है, जो भी है, उसमें अपोजिट साइड में टोटल लेंथ क्या है, अपोजिट साइड में लेंथ ऑफ अपोजिट साइड और सेंटर टू सेंटर स्टील की डिस्टेंस क्या है, उसे डिवाइड करेंगे, प्लस में वन कर देंगे। ये पहला पार्ट था हम लोग का बेसिक जानकारी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।